रब्बा के बारे में अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं उनमें से लगभग लगभग सारी ही किसी ना किसी एक स्रोत या एविडेंस के ऊपर आधारित थी। चाहे वो वहाँ की बिल्डिंग्स हो, चाहे वो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वो उनकी मिलने वाली लिखावटें हो, सील्स हो, मैक्सिमम चीज़ें इन्हीं स्रोतों के ऊपर आधारित थी। और इन्हीं स्रोतों के ऊपर जो जिन जिन लोगों ने इस स्रोतों को पाया और उनके ऊपर अपना ही एक नजरिया रखा, उस नजरिए के हिसाब से हमने इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को देखना शुरू किया था। अब उस नजरिए के अंदर बहुत सारे बदलाव आते गए जैसे जैसे हमको नए नए स्रोत मिलते गए, बट एक पहलू उस हड़प्पन सभ्यता का ऐसा है जो अभी भी इतना क्लियर नहीं हो पाया है, और वो पहलू है हड़प्पा के अंदर प्रैक्टिस किए जाने वाले रिलीजन का। देखो, बात तो यह है कि जब तक हमको हड़प्पा की लिखावट लिपि समझ नहीं आती है, उसके बारे में जितनी भी एविडेंसेस मिलते हैं वो हमारे लिए एक टेंटेटिव डिस्कशन है, एक हमारे लिए समझा बूझा हुआ पहलू है जिसको हमने मान लिया है कि अभी के लिए कंसेंसस के हिसाब से मान के चलते हैं कि ऐसा ही होता होगा। बट ये चीज ना रिलीजन के लिए इतनी अच्छी से अप्लाई नहीं हो पाती है, बिकॉज रिलीजन के आधार पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस मिल जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नजरिए मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो बात करते हैं ग्रेट बाथ की। मोहनजोदड़ो के अंदर ये स्ट्रक्चर हमको मिलता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको अच्छे से वाटर टाइट किया गया है, जिसके अंदर स्टेप्स उसको लीड कर रहे हैं, उसके चारों तरफ कॉलोनेड बनाए गए हैं, साइड में उसके रूम्स हैं, एंड कहा जाता है कि इसके अंदर रिचुअल प्यूरिफिकेशन बाथ किया जाता होगा, यानी कि अपनी शुद्धि करने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता होगा। अब अगर आप सोचो इसका ये इंटरप्रिटेशन ऐसा क्यों माना जा रहा है, तो आप पाओगे कि ऑलमोस्ट हर रिलीजन में वाटर का एक प्यूरिफिकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट मिल जाएगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का बैप्टिज्म हो, चाहे वो आपको मॉस्क में मिलने वाला हाथ हाथ मुंह पैर धोने वाला पानी हो, सेम चीज आपको गुरुद्वारे में मिलेगा, सेम चीज आपको टेम्पल्स में मिलेगा। सो वाटर और प्यूरिफिकेशन का जो रिलेशन हमको आज मिलता है, हम उसी को इंटरप्रेट करते हुए हम बोलने की कोशिश करते हैं कि जरूर यहाँ पे पानी का जो, क्योंकि हमको वहां पे पानी के इनलेट्स मिल जाते हैं, डक्ट्स मिल जाते हैं, और हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो पानी होगा जरूर रिचुअल बेदिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। अब ये सिर्फ बात ये नहीं है कि मुझे एक बहुत बड़ा पानी का कुंड मिल जाता है जिसके हिसाब से मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा। बात तो यहां से निकल के आती है कि ये जो आर्किटेक्चरल फीचर है वो इतने बड़े शहर में और कहीं नहीं मिलता है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ मंदिर और अ मॉस्क, एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस है जहां पे ऐसा कुछ हो रहा होगा। बट देन यहां से हमारी इस इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहला तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी, जिसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी सिटीज थी, मोहनजोदड़ो एक अकेली बड़ी सिटी नहीं थी, यू हैड हड़प्पा, यू हैड धोलावीरा, आपके पास लोथल था, आपके पास कालीबागान था, राखीगढ़ी था, इन सब में हमको ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर क्यों नहीं मिलता है? ये सिमिलर स्ट्रक्चर मिलने का ना मिलने का कारण क्या हो सकता है? तो दैट ये जो आइडिया है, ये जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि कोई एक प्रॉपर रिलीजन फॉलो हो रहा होगा या नहीं। सिमिलरली बात करी जाती है यहाँ पे कि किस तरह फायर का इस्तेमाल, फायर ऑल्टर्स मुझे मिल जाते हैं, स्पेशली साउथ साइड में काली बगान में मिलते हैं हमको, आगे जाके हमको और भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में छोटे छोटे अग्निकुंड मिल जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे भी ये आती है कि अग्निकुंड को ये सपोर्ट करके कहने वाले जो कहते हैं कि इनका इस्तेमाल रिचुअल्स के लिए किया जाता होगा, वो इसको इस तरह से प्रूव करते हैं कि यहाँ पे हमको एनिमल बोन्स मिल जाते हैं, चार्ड बोन्स मिल जाते हैं, पर उसी तरह हमको डिफरेंट एरियाज में दूसरे अग्निकुंड को ये लोग कह देते हैं कि ये तो शायद चूल्हा होगा, यहाँ पे शायद कुकिंग करी जाती होगी। तो ये जो डिफरेंस है ना एक अग्निकुंड में, एक फायर ऑल्टर में और एक चूल्हे में, एक हर्थ में, ये डिफरेंस इतना क्लियरली निकल के आ नहीं पाता है। तो अगेन वहां पे ये जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है हमारे लिए एक क्लियर कट आइडिया नहीं दे पाती है। फिर आप बोलोगे सर फिर क्या रिलीजन यहाँ पे था या नहीं था? एंड समवेयर अलोंग द लाइन हम हिस्ट्री का ही अगर इस्तेमाल करें, जैसे ये इंटरप्रिटेटिव बातें हो रही थी रिलीजन को लेकर, एक चीज आप हिस्ट्री में पाओगे जो बहुत कॉमन थी हमारे रूलर्स और किंगडम्स में, वो ये थी कि जब भी कोई बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा किंगडम हमारे इस इंडिया और इस एरिया में रहा है, एंड ये ऑफन टाइम्स अप्लाई करती है बाकी किंगडम्स के लिए भी,
आप पाओगे कि उस बड़े राजा ने जिसका वो बड़ा किंगडम था उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई थी और एक यूनिफाइड रिलीजन के हिसाब से अपना काम करने की कोशिश की थी। चाहे वो आप अशोका ले लो, चाहे आप कनिष्क ले लो, चाहे आप चंद्रगुप्ता ले लो या आप अकबर ले लो, दे ऑल ट्राई टू यूनिफाई रिलीजन। सो समवेयर अलोंग द लाइन हिस्ट्री हमको ये कहती है कि जहाँ पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहा है लोगों का वहां वो किंगडम प्रॉस्पर किया है। तो अगर हरप्पा जैसा एक शहर जो इतना बड़ा एक यूनिफाइड सिस्टम था जहां पे हर चीज एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड वे में चल रही थी, जहां पे सब हर जगह सिमिलर मेजरमेंट्स यूज करे जाते थे, सेम सील्स का इस्तेमाल किया जाता था इतने बड़े एरिया में, तो वहां पे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि कहीं ना कहीं रिलीजन ने कोई ना कोई रोल तो जरूर प्ले किया होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम जो हमारी टेराकोटा फिगरीन्स मिलती हैं या ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिलते हैं या स्टोन स्कल्पचर्स मिलते हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज आपने अगर पढ़ा है तो आप पाओगे कि पशुपति महादेव का सील हमको मिलता है जिसको पशुपति महादेव कहा जाता है, राइट? पशुपति प्रोटो शिवा के नाम से उनको जाना जाता है, विच इज अगेन आज का इंटरप्रिटेशन है उस टाइम की मिलने वाली चीज के ऊपर। सिमिलरली मदर गॉडेस का फिगरीन मिलता है, टेराकोटा फिगरीन। इनफैक्ट मदर गॉडेस का फिगरीन ले लेते हैं, चलो आप पाओगे कि मदर गॉडेस का जो फिगरीन है, जो टेराकोटा फिगरीन्स है, वो उनको बहुत सारी जगहों से मिले हैं, बट उसमें प्रॉब्लम यही है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मिले हैं ऑफन टाइम्स वो हमको रबिश के साथ मिले हैं, गार्बेजेस के साथ मिले हैं, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही होंगी कि हो सकता है ये जो मदर गॉडेस का फिगरीन होगा उसको पूजा के टाइम इस्तेमाल किया होगा और उसके बाद बच्चों को खेलने के लिए दे दिया होगा जिसके बाद उनको बाद में डिस्कार्ड कर दिया होगा, ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इनफैक्ट कुछ कुछ मदर गॉडेस के फिगरीन्स मिले हैं जो कस्टमाइजेबल थे, उनके अंदर जो हैंड्स और जॉइंट्स का पोर्शन था उसमें चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट करी जा सकती थी, उसमें डॉवल जॉइंट्स थे, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर रिचुअल को किया जा रहा है मदर गॉडेस को लेके, फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी को लेके, तो उसमें आप एक वूम या एक बेबी को अटैच कर सकते थे। अगेन दीज आर इंटरप्रिटेशंस, ये इंटरप्रिटेशंस हैं, ये हमारा एक नजरिया है देखने का उन चीजों को जिसके बारे में हमको अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, राइट? सो अगेन रिलीजन समवेयर अलोंग द लाइंस हमको एक और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इनफैक्ट इस टाइम पीरियड में हमारी जितनी भी कंटेम्प्रेरी आने वाली सिविलाइजेशंस होगी या फिर एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशंस होगी, फॉर एग्जांपल आप अगर मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन ले लो या यहाँ से आगे आने वाली हमारी जितनी भी चाइनीज सिविलाइजेशंस हैं उनको ले लो, आप पाओगे कि सबके पास कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर रहा है, एक बहुत बड़ा कोई स्टैचू रहा है या किसी ना किसी तरीके का एक रिलीजियस फिगरीन रहा है जो हमको अगेन हरप्पा में नहीं मिल पाता, जबकि इनके पास इनका अपना आर्किटेक्चर इतना डेवलप्ड था कि ये लोग आराम से ये चीज़ बना सकते थे, या किसी राजा का चेंबर बना सकते थे, या कुछ ना कुछ तो हो ही सकता था, बट वो हमको नहीं मिलता है। बट एट द सेम टाइम एक इंटरप्रिटेशन मुझे ये मिल जाती है कि इन लोगों को प्योरिटी, शुद्धि के बारे में बहुत ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, ये लोग शुद्धता को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। क्यों? बिकॉज आप पाओगे कि वेस्ट वाटर का एक अलग सिस्टम है, वाटर कैरी करने का अलग सिस्टम है, प्रॉपर ड्रेनेज सैनिटरी पिट्स बना रखे हैं जहां से ये ड्रेनेज को हटाया जा सकता है, तो प्योरिटी और इम्प्योर की चीजें इनके लिए महत्वपूर्ण थी, इनके लिए मैटर करती थी। तो अगेन दिस टाइज इन टू द होल आइडिया ऑफ द ग्रेट बाथ रिचुअल, वाटर प्यूरिफिकेशन, बट अगेन ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए एक इंटरप्रिटेशन की तरह काम करती हैं। दीज आर इंटरप्रिटेशंस, राइट? तो इन्हीं इंटरप्रिटेशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी स्पोक अबाउट वॉज द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के अंदर हमको कॉलोनेड मिलता है, कॉलोनेड के अंदर एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर हो सकता है लोग नहाने जाते होंगे, और वो कॉलोनेड उन लोगों के लिए होता होगा जिनको शायद अंदर अलाउ नहीं किया जाता होगा, जो बाहर से उस रिचुअल प्योरिफिकेशन को देख सकते होंगे। उसी तरह हमको और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं जो कहीं ना कहीं कुछ सेक्रेट चीज़ों की तरफ ध्यान हमारा केंद्रित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको मोहनजोदड़ो के सिटाडेल एरिया में ब्रिक्स से, ईंटों से बनाए हुए बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिलते हैं जिनके अंदर एक जगह है। इस जगह के अंदर हो सकता है कि कोई पेड़ या वृक्ष लगाया गया होगा जिसको ये लोग सेक्रेट मानते होंगे, पवित्र मानते होंगे।
उसी तरह लोअर टाउन में भी, मोहनजोदड़ो के लोअर टाउन एरियाज में कहीं ना कहीं हमको ये कुछ कुछ जगहों पे ये ब्रिक कॉइनसेंट्रिक ब्रिक्स के जो सर्कल्स हैं वो मिले हैं। सिमिलरली अब अगर हम यहाँ से आगे जाके जब फायर ऑल्टर्स की बात करते हैं, आग की बात करते हैं, हमने देखा है कि आग भी एक तरीके का ट्रांसमिटिंग मीडियम माना जाता है, राइट? कि आग में अगर चीज़ें डालेंगे तो वो ऊपर भगवान तक जाएंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एडवेंट ऑफ द आर्यंस एंड द वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन में ये आग का इस्तेमाल, ये जो इंटरप्रिटेशन है जिसमें हम बात करते हैं किस तरह आग acts as fire acts as a medium between God, आपके और भगवान के बीच में एक medium का काम करती है, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे वैदिक rituals में दिया गया है, जो आगे जाके हमारे आज के religion में बहुत ज़्यादा एक central role play करता है, चाहे वो marriages में हो, चाहे वो rituals में हो, यज्ञ में हो, हर जगह पे fire plays a important part। तो उसी का interpretation यहाँ पे दिया जा रहा था। अब पानी और आग का जो इस्तेमाल होता है वो आज के हमारे रिलीजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए इसका एक डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन करना बड़ा ही इजी है। बट उसी के साथ साथ बहुत सारे रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि एक और बड़ी ही पिक्यूलियर चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर जगह पे रिपीट होती है। इनमें से एक रिसर्चर थे जिनका नाम था रत्नाकर, जिनका जो पेपर है वो मैं लिंक दे दूंगा उसके हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने पर्टिकुलरली ये चीज़ पॉइंट आउट करी और ये चीज़ आपने भी देखी होगी कि जानवरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करा जाता था इनकी इमेजरी में, चाहे वो सील्स में हो, टॉयज में हो, स्टैचूज में हो, टेराकोटा में हो, हर जगह पे ये एनिमल्स का, जानवरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। और जानवरों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होना, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोकल कल्चर्स को देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप पाओगे कि ये शामनवाद को दर्शाता है, शामनिज्म जिसको कहा जाता है, जो ओझा लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये शामनिज्म क्या होता है? शामनिज्म बेसिकली कहता है कि ये जो लोग शामनिज्म प्रैक्टिस करते हैं वो मानते हैं कि प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में आत्माएं बसती हैं, चाहे वो पक्षी हो, पौधे हो, पेड़ हो, जानवर हो, सबके अंदर आत्माएं होती हैं। और इन आत्माओं से ये जो हमारे ओझा लोग हैं, ये जो तांत्रिक लोग हैं, वो एक डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं। वो अपने शरीर को छोड़ के अपनी एक ट्रांस में जाके वो आत्माओं की दुनिया में एंटर कर सकते हैं। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप इस टाइम में आने वाली एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट को देखोगे, और वो डेवलपमेंट है कैनबिस या भांग की। जी हाँ, इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे फ्रॉम 2600 BCE टू 1900 BCE का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे कैनबिस जो है, भांग का जो पौधा है, वो उगाया जा रहा था हमारे इस पूरे एशिया के रीजन में। अब इसका इस्तेमाल मुझे आगे आने वाले चाइनीज डायनास्टीज में भी मिलता है, मुझे सिंथियन किंगडम के अंदर भी मिलता है, जहाँ पे अलग से टेंट बनाए जाते थे कैनबिस को फूकने के लिए, ठीक है? जिसको गांजा या भांग, आप कोई भी वर्ड यूज कर लो, बात इन सब का एक ही है कि ट्रांस को लेके आना है, एक स्टेट ऑफ, एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड लेके आना है, जिससे वो इस आत्मा की दुनिया को एंटर कर सके। अब ये कितना ज़्यादा हमारे हड़प्पा के सिचुएशन पर अप्लाई करेगा? वेल, एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि हड़प्पा में मुझे बहुत सारे ऐसे क्ले के बर्तन मिले हैं, यूटेंसिल्स मिले हैं, जिनके अंदर बहुत सारे छेद हो रखे हैं। अब इनिशियली तो ये भी माना जाता था कि ये कहीं फिश को पकड़ने के लिए एक बास्केट का काम करता था, या सब्जियों को धोने के लिए एक कोलैंडर का काम करता था। बट कहीं ना कहीं लोग ये भी मानते हैं कि ये शायद एक टाइप का डिफ्यूज़र होगा, जहाँ पे चीज़ें डाल के उसमें आग लगाई जा सकती हो और जिससे धुआं पैदा किया जा सकता हो। तो आप समझ रहे हो ना मैं किधर जा रहा हूँ यहाँ से? इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यहाँ पे इस ट्रांस लाइक स्टेट को इंड्यूस करने के लिए भांग को डाल के इसको जलाया जाता होगा, उसके फ्यूम्स को लिया जाता होगा, और फिर ये तांत्रिकवाद, ये शामनवाद का इस्तेमाल किया जाता होगा। अब एट द एंड ऑफ द डे ये है एक इंटरप्रिटेशन ही, राइट? बट उसके एविडेंसेस है मेरे पास, छोटी छोटी चीजें कनेक्ट करती हैं हमारी इन चीजों को, राइट? एंड देन लास्टली जब हम रिलीजन की बात करते हैं, जो आखिरी बात होती है वो होती है कि ये लोग, जो लोग मर जाते थे, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था, बरियल्स कैसे किए जाते थे, मौत के बाद इन जो शरीर होते थे उनका क्या ट्रीटमेंट होता था। अब हमको हड़प्पा में
स्पेशली जो हमारी R37 साइट है वहाँ से करीबन 200 से ज़्यादा बॉडीज मिली है, और उसी के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट शहरों में, चाहे वो राखी गढ़ी हो, काली बागान हो, हर जगह पे कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का मुझे बरियल मिला है। और इन सारी बरियल्स को हम एकजुट करके कुछ कुछ इन्फ्रेंसेस, कुछ कुछ उसके डिफरेंट डिफरेंट पहलू देख सकते हैं जो इन सारे बरियल्स में कॉमन थे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर इन लोगों ने अपने बरियल्स को किस तरह ट्रीट किया होगा, वो कहीं ना कहीं इन लोगों का रिलीजन के प्रति क्या भाव रहा होगा, या इनका क्या बिलीफ सिस्टम होगा, क्या विश्वास प्रणाली होगी इनकी, वो कहीं ना कहीं हमको पता चल जाएगी। अब उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि मैक्सिमम जो मुझे ग्रेव्स मिलती हैं, जो मुझे मैक्सिमम जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, जितनी भी जगह मिली है, उनमें या तो एक रेक्टेंगुलर या ओवल पिट बनाया गया है, और उस पिट के अंदर किसी ना किसी चीज़ की एक लाइनिंग दी गई है, चाहे वो क्ले की हो या पॉट्स की हो, या बॉडी को खुद ही किसी पत्तों में या कपड़ों में रैप किया गया हो, वो मुझे मिलता है। बॉडी को नॉर्थ साउथ स्ट्रेट पोजीशन में अपने बैक के ऊपर लाई किया गया दिखाया गया है, और उसी के साथ साथ इन बरियल्स के अंदर मुझे इन लोगों की पर्सनल आइटम्स भी मिली हैं। कुछ कुछ जगह पे ऑर्नामेंट्स मिली हैं, कुछ कुछ जगह पे मुझे पॉटरीज मिली हैं, यूटेंसिल्स मिली हैं, एक जगह पे एक कॉपर मिरर भी मिला है। तो उसी के साथ साथ ज्वेलरीज का जो टाइपोलॉजी है वो भी डिफर कर रहा है। कहीं कहीं पे मुझे सिर्फ शेल बीड्स की ज्वेलरी मिली है, कहीं कहीं पे मुझे प्रॉपर लैपिस लजूली या डिफरेंट डिफरेंट जेड, या कहीं कहीं पे मुझे इनफैक्ट प्रॉपर माइक्रो बीड्स की भी ज्वेलरी मिली है, जो मुझे दिखा रहा है कि किसी ना किसी तरह का एक स्तरीकरण शायद इन बरियल्स में भी हो रहा होगा, राइट? अब उसी के साथ साथ एक और चीज जो क्लियर हो जाती है वो ये है कि कुछ कुछ बरियल्स ऐसी हैं जहां पे बॉडी नहीं है, वो मोस्टली एक श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटा सा स्थान बनाया गया है जिसको सिनोटाफ भी कहा जाता है। तो बेसिकली हरप्पा के इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे दो टाइप की बरियल्स मिलती है, एक जहां पे बॉडी है और एक जहां पे बॉडी नहीं है। जो सिनोटाफ्स बनाए गए हैं वहां पे भी लोगों को चढ़ाए जाने वाले पॉटरी के अंदर मुझे फूड के रिमेन्स मिले हैं, बोन्स के रिमेन्स मिले हैं, तो कहीं ना कहीं शायद श्रद्धा देने के लिए इनका भी इस्तेमाल किया जाता होगा। बट अब मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना बड़ा जो मेरा सिविलाइजेशन था, उस सिविलाइजेशन में इतने कम ग्रेव्स क्यों मुझे मिल रहे हैं? क्या इनका और भी कोई मेथड रहा होगा इन इन जो लोग मर जाते हैं उनको ट्रीट करने का? और एंड इसका एक बहुत ही लॉजिकल आंसर होगा यस, क्योंकि आप पाओगे कि यहाँ पे पानी को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता होता, अगर इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था तो कहीं ना कहीं शायद पानी में भी बॉडियों को बहाया जाता होगा। उसी के साथ साथ कुछ साइट्स हैं, जैसे इनफैक्ट मोहनजोदारो में ही मेरा एक साइट है जहाँ पे मुझे एक अर्न, एक पॉट के अंदर ह्यूमन के मनुष्य के जलाए हुए रिमेन्स मिले, अस्थियां मिली हैं बेसिकली। मुझे वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे एटलीस्ट पाँच से ज़्यादा बॉडीज को वहाँ पे जलाया गया होगा, उसके मुझे बेसिकली चार्ड रिमेन्स मिले, जो मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है क्रिमेशन या आग में जला देना बॉडीज को भी शायद एक पर्टिकुलर टाइप रहा होगा बॉडीज को ट्रीट करने का। तो बरियल एक टाइप हो गया, हो सकता है पानी में बहाना, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये चीज़ आज भी कुछ कुछ कल्चर्स में होती थी, और अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाओगे तो कुछ पवित्र नदियों में बॉडीज को बहाया जाता था। अभी जैसे अस्थियां बहाई जाती हैं उसी तरह बॉडीज को भी बहाया जाता था, तो ये वाटर के थ्रू डिस्पोजिशन भी एक चीज होती थी। एंड उसी की तरह कुछ कुछ जगहों पे हमको बोन्स के ऐसे अवशेष मिले हैं जो शायद ये भी दर्शा रहा है कि शायद डेड बॉडीज को बाहर रख दिया जाता था, जिससे वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली ही डीकम्पोज कर जाए, चाहे उनको एनिमल्स खा लें या वो अपने आप ही डीकम्पोज कर जाए। इनफैक्ट दैट वुड कुड हैव बिन अ वे ऑफ डिस्पोजिंग बॉडीज एज वेल। अब कहाँ पे क्या सेमेटरीज है, कहाँ वो लोकेशन है, उसका भी मैं मैप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगा इन सारी चीज़ों के साथ। बट मेरा मेन मकसद है यहाँ से इंटरप्रेट करने की कोशिश करना कि इन लोगों का आइडिया क्या रहा होगा रिलीजन एंड ये जो डेड लोग हैं, जो लोग मर जाते हैं उनके ऊपर। एंड यहाँ से एटलीस्ट मुझे एक चीज़ तो पता चल रही है कि किसी ना किसी टाइप का एक रिचुअल फॉलो किया जाता होगा लोगों को बेरी करने के लिए, या उनके मर जाने के बाद उनका एक ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि
अगर मुझे पता चल रहा है कि बॉडीज को मिट्टी से टच नहीं किया जा रहा है, वहां पे कोई ना किसी चीज किसी ना किसी चीज का लेयर बनाया जा रहा है, चाहे मड ब्रिक्स का हो, चाहे क्ले का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे पत्तों का हो, तो वहां पे दोबारा वो जो हमने बात करी थी ना प्योरिटी इम्प्योरिटी की, वो कहीं ना कहीं आ जाती है यहाँ पे। उसी के साथ साथ जब ऑर्नामेंट्स को दिया जा रहा है, यूटेंसिल्स को दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं शायद ये भी दर्शाया जा रहा है कि ये लोग विश्वास रखते हैं कि मरने के बाद भी आप किसी एक दूसरी दुनिया में या किसी एक दूसरी जगह चले जाते होगे, जहाँ पे देयर मस्ट बी अ लाइफ आफ्टर डेथ। ये एग्जैक्टली पुनर्जन्म तो नहीं, बट एटलीस्ट ये विश्वास होता होगा इनका कि मरने के बाद भी जो इनकी जहाँ आत्मा जाती होगी, शायद वहाँ पे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ये लोग इनको चाहिए होगा। बट देन एट द सेम टाइम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिलती है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे ग्रेव्स मिली हैं जहां पे इन ग्रेव्स के साथ छेड़छाड़ किए गए हैं, कहीं से ज्वेलरीज मिसिंग हो जाती है, जो बॉडी है उसको अलग थलग रख दिया जाता है, और ये यूजुअली तब होता है जब ग्रेव के वहां पे दोबारा डिगिंग करी जा रही होगी एक और किसी बॉडी को दफनाने के लिए, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि बॉडी को कैसे दफनाया जाता है और क्या रिचुअल्स यूज करे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। बट एक बार रिचुअल्स का इस्तेमाल होने के बाद उस बॉडी के साथ क्या होता है नहीं होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये लोग मानते थे कि एक अच्छे प्रॉपर रिचुअल्स के साथ एक पर्सन की विदाई देना शायद इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद जब उस बॉडी से आत्मा निकल जाती है, वो अलग प्लेन पे चली जाती है, दैट बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट एनीमोर। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक इंटरप्रिटेशन है, एक इंटरप्रिटेशन है या इस हरप्पा के रिलीजन को समझने का। एंड आई विल एंड दिस वीडियो बाय टेलिंग यू दिस वेरी सिंपल फैक्ट कि जब एक जगह पे ना मुझे डिफरेंट डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मुझे टाइप के रिचुअल्स मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, जब वो होमोजेनिटी जो सिमिलैरिटी है, जैसे मोहनजोदड़ो में मुझे जो ग्रेट बात मिलता है मुझे कहीं और नहीं मिलता है, या फिर फायर ऑल्टर्स जो मुझे कालीबागान में मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलते हैं, इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि इतनी बड़ी एक सोसाइटी में, इतनी बड़ी एक सिविलाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल बिलीव्स रहे होंगे। हो सकता है जो जो एरिया, जैसे मेरा धोलावीरा और लोथल का एरिया है जो वाटर बॉडीज के क्लोज में होगा, शायद वहाँ पे पानी को ज़्यादा महत्व दिया जाता होगा इनफैक्ट, और जो एरिया शायद पानी से थोड़ा दूर है वहाँ पे किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मल्टीपल टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम शायद इस हरप्पा के सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता होगा। और ये मल्टीपल बिलीफ सिस्टम आएगा कहाँ से, जब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में ट्रेड हो रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ लोग शायद बाहर के एरिया से आके यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, और इसी सेटलमेंट के द्वारा हमको आगे आने वाली पीढ़ी मिलने वाली है इस हरप्पन एरिया में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन है जिसके अंदर इतनी सारी आधुनिक चीज़ें हो रही थी, उसका पतन या डिक्लाइन कैसे होता है, और इस डिक्लाइन के बाद यहाँ आने वाले अगले पीढ़ी और अगला जनरेशन और ये जो अगले लोग हैं वो कौन होंगे। आपको पता है अब हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू होने वाली है ऋग्वेदिक आर्यंस के साथ। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।